दोस्तों सतपुड़ा आईटीआई ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं स्लीप के बारे में बताऊंगा और उत्तर फ्रीक्वेंसी और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सवाल जो आता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। स्लीप स्लीप एक्चुअली होता क्या है? जैसे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हम सप्लाई देते हैं थ्री फेज सप्लाई, उस सप्लाई के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो सप्लाई हम देते हैं उसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है स्टेटर में, उसकी जो स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनएस, या इसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पर, दोस्तों रोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर कभी नहीं घूमता। सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की एक्चुअल स्पीड क्या होती है? कम होती है। उसे हम रोटर की एक्चुअल स्पीड को हम एन आर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों स्लीप हम किसे कहेंगे? एन एस माइनस एन आर, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की एक्चुअल स्पीड के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं। ये स्लीप की डेफिनेशन हो गई। यदि हम फ्रैक्शनल स्लीप की बात करें, यहाँ पर दो प्रकार की स्लीप होती है। जैसे हम फ्रैक्शनल स्लीप, दोस्तों यहाँ पर हम फ्रैक्शनल स्लीप की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। यदि हमको न्यूमेरिकल सवाल है कोई हमारे पास और हमें फ्रैक्शनल स्लीप निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। और यदि हमें परसेंटेज स्लीप निकालना है, परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए हम यहाँ पर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों समझ में आ गया स्लिप क्या है, स्लिप का डेफिनेशन फ्रैक्शनल स्लिप और परसेंटेज स्लिप। इसके बाद हम आते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बारे में, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अलग है और रोटर फ्रीक्वेंसी अलग है। जैसा कि हमने अभी हम पढ़ रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके रोटर में एसी का ईएमएफ जनरेट होता है। और एसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मीन्स रोटर में जो एसी का ईएमएफ जनरेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं? रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? रोटर फ्रीक्वेंसी इसे हम एफ आर से डिनोट करते हैं। एफ आर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी का? रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जो हम मोटर को सप्लाई देते हैं, जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं, वही फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? रोटर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अब इसके स्लीप निकालना, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना, इसके हम इसका एक सवाल देखते हैं। जैसे कि आइए यहाँ पर एक हमारे थ्री फेस की इंडक्शन मोटर है, एक हमारी क्या है? थ्री फेस की इंडक्शन मोटर है। और इसका इसमें कितने पोल की मोटर है? ये चार पोल की मोटर है। और इसका आरपीएम कितना है? एक्चुअल स्पीड एनआर की वैल्यू कितना दिया है? मान लो 1440 आरपीएम दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट 1440 रिवॉल्यूशन पर मिनट इसका एनआर दिया है। तो दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है हमारे? थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है जो 1440 आरपीएम 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्ट है, चार पोल की है, और इसके रोटर की एक्चुअल स्पीड कितनी है? 1440 आरपीएम है। अब हमें इसमें निकालना क्या क्या है? सवाल में पूछेगा आपको इसका सिंक्रोनस स्पीड निकालना है,
सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, एनएस निकालना है इसका। फिर यहां पर हम स्लिप कैसे निकालेंगे, स्लिप फ्रैक्शनल या परसेंटेज दोनों निकालना है और रोटर फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये सवाल के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एनएस, एनएस का फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। कैसे एनएस का फॉर्मूला क्या होता है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई टी, ये एनएस का फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का। तो एनएस इज इक्वल टू 120, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज इंटू 50 अपॉन पोल, टी का मान कितना दिया है 4, तो यहां पर 4 ये हो जाएगा 30, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 में 50 का, तो ये एनएस की वैल्यू आ जाएगी 1500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये दोस्तों हमारा क्या निकल गया, सिंक्रोनस स्पीड निकल गया। अब सिंक्रोनस स्पीड निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, स्लिप निकालना है। तो स्लिप कैसे निकलेगा, स्लिप का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो एस इज इक्वल टू एन एस की वैल्यू कितनी है, यहां पे 1500 आती है, 1500 माइनस एन आर की वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1440 आरपीएम अपॉन एनएस 1500 आरपीएम, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.04, ये आ जाएगा। और यदि इसे हम परसेंटेज में यदि निकालते हैं तो ये 4% हमारा स्लिप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, स्लिप निकल गया। समझ में आ गया दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या निकाला, सिंक्रोनस स्पीड निकाला, सिंक्रोनस स्पीड हमारा कितना निकल गया 1500 आरपीएम निकला। फिर इसके बाद हमने क्या निकाला, स्लिप निकाला, स्लिप एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, एनएस की वैल्यू रखना है हमने 1500, एनआर की वैल्यू रखना हमने कितना 1440 आरपीएम, इससे हमारा फ्रैक्शनल स्लिप आ गया कितना 0.04। स्लिप का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज स्लिप निकाल लिया, इसमें परसेंटेज में यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4%। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। फ्रैक्शनल स्लिप का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0.04 इंटू ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज रखेंगे 50। तो दोस्तों ये हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 4 इंटू 50 अपॉन 100, ये आ जाएगा 2, एफ आर इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखा, स्लिप और रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाला, ये स्लिप निकाल लिया हमने 0.04% और यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी हमने 2 हर्ट्ज निकाल लिया। तो ये 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होती है, रोटर में। दोस्तों जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब हम सप्लाई देते हैं तो जिस समय रोटर घूमना स्टार्ट नहीं करता उस समय हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करती है, ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करती है, मीन्स रोटर में भी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। बट जब रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है और कितनी रह जाती है फ्रीक्वेंसी, केवल 2 हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।